अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेकर आए हैं ब्रेड टोस्ट की बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी, लजीज रेसिपी। रमज़ान स्पेशल है। आप चाहें इसको रमज़ान जब ख़त्म पूरे हो जाए, रमज़ान शरीफ, तब भी आप इसको बनाकर बहुत इजीली खा सकते हैं। ये इतना पसंदीदा टोस्ट बनेगा कि आप जिसको भी खिलाएंगे वो आपकी तारीफ करेगा। तो यहाँ पर हमने एक पैन ले लिया है, इसमें डाल दिया है 2 चम्मच ऑयल और इसमें डाल देंगे ये लहसुन जो हमने चॉप कर लिया है। ये 8 से 10 कलियाँ थी लहसुन की, इनको हमने बारीक काट लिया है। और इसमें डाल देंगे 2 से 3 हरी मिर्च बारीक काट कर, और इनको 2 से 3 मिनट हल्का सा पका लेंगे। फिर इसमें डाल देंगे 1 मीडियम साइज की प्याज जिसको हमने बारीक काट लिया है, और इसको भी थोड़ा सा गुलाबी होने तक पका लेंगे। ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना है, बस इसको में जब गुलाबी पन आ जाए तब इसमें डाल देंगे ये बंद गोभी जो हमने बारीक काट के रखी है, और शिमला मिर्च। तो यहाँ पर हमने 1/2 कप ली है शिमला मिर्च और 1/2 कप ही हमने यहाँ पर बंद गोभी ली है, और इनको भी अच्छे से थोड़ा सा अधकचरा सा पका लेंगे, यानी कि थोड़ा कच्चापन रखेंगे। सब्जियों में जो क्रंचीपन होता है वो रखें, जिससे कि बहुत ही टेस्टी लगता है जो हम रेसिपी बनाएंगे। इसमें यहाँ हमने डाल दिया है शेरिट किया हुआ चिकन, इसको हमने नमक, लहसुन अदरक और काली मिर्च के पेस्ट में थोड़ा सा पानी डालकर पका लिया था। और फिर इसको इस तरह से चिकन को शेड कर लेंगे। फिर यहाँ पर हमने कुछ मसाले डाले हैं, काले नमक हमने डाला है यहाँ पर, नमक, काली मिर्च पाउडर, हल्दी और मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च डाली है यहाँ पर हमने। तो यहाँ पर सब ये हमने 1-1 चम्मच लिए हैं, जो छोटा वाला चम्मच होता है वो 1-1 चम्मच इसमें हमने डाल दिया है। तो यहाँ पर हम डाल देंगे ये आलू। तो यहाँ पर हमने एक बड़ा आलू ले लिया था जिसको बॉईल किया हुआ है, और इसमें ये डाल देंगे, इससे जो है इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ हमने इससे पहले दूध डाला है, आप चाहे तो थोड़ा सा पानी डालकर भी इसको अच्छे से पका सकते हैं। तो वहाँ वो चिकन बनकर तैयार है। तो यहाँ पर हमने लिए हैं ये ब्रेड, तो इस तरह से ब्रेड ले लें, आप छोटा ले लें, बड़ा ले लें, और इसमें कोई कुछ भी वेस्ट नहीं जाएगा। तो यहाँ पर हमने ब्रेड इस तरह से ले लेने हैं, तो 1-2 पीस ले लिए हैं, और 1 पीस पर हमने लगा दिया है ये केचप, और फिर रख देंगे इसके ऊपर हम ये जो हमने चिकन का और सब्जियों का एक स्टफिंग बनाई है वो इसके ऊपर रख दें, और फिर इसके ऊपर डाल देंगे ग्रेट करके चीज़। आप कोई सी भी चीज़ ले सकते हैं, मोज़रेला ले लें या फिर कोई सी भी जो आपके घर में हो वो ले सकते हैं। इस तरह से चीज़ डाल देंगे, और फिर ये जो हमने दूसरा पीस रखा है इसके कोनों पर चारों तरफ लगा देंगे थोड़ा सा पानी, जिससे कि ये आराम से चिपक जाए। अगर हम इसको थोड़ा सा पानी लगा देते हैं चारों तरफ तो ये बहुत ही ईजिली इस पर चिपक जाता है। बस इस तरह से इसको आराम से भीजते हुए यहाँ पर इस तरह से सब पीस तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने सब ये ब्रेड के पीस इस तरह से सैंडविच बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है 1 अंडा, और इसमें डाल देंगे 1/2 कप दूध, और इसको अच्छे से फेंट लेंगे, और इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर और 1/2 टेबल स्पून नमक, और बस इसको अच्छे से फेंट लें। आप चाहें तो इसकी जगह मैदा भी ले सकते हैं और उसमें दूध डालकर इस तरह से इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है ब्रेड क्रम्स, तो पहले हम ब्रेड को जो हमने सैंडविच बनाकर रखे हैं वो डाल डिप कर देंगे इस अंडे के घोल में, और फिर इसको बाहर निकाल के ये जो हमने ब्रेड क्रम्स रखे हैं इसमें अच्छे से इसको कोट कर लेंगे। चारों तरफ से अच्छे से इसको कोट कर देना है। बस इसी तरह से सारे ये ब्रेड बनाकर हमने तैयार कर लिए हैं। यहाँ पर आप चाहें तो इनको स्टोर भी करके कर सकते हैं, जिप बैग में या फिर
किसी टाइट कंटेनर में आप इसको रखकर फ्रीज में रख सकते हैं, 8 से 10 दिन आराम से ये फ्रीजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ऑयल गरम कर लिया है और इस तरह से ये डाल देंगी। तो यहाँ पर हमने मीडियम हाई फ्लेम रखी है और जब तेल अच्छे से गरम हो जाए तो उसमें ये डाल देंगे, जिससे कि ये आराम से जल्दी से पक जाए। और क्योंकि अगर हम इनको मीडियम लो पर पकाएंगे तो ये अच्छे से तेल अंदर तक ले लेंगे और ये बहुत ऑयली हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये ऑयली नहीं बने तो इसको आप मीडियम हाई फ्लेम पर तेज गरम तेल में ही डालें। बस इसको अलटते पलटते इस तरह से इसको सुनहरा कर लेना है। फ्रेंड्स, आपको याद दिला दें, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यहाँ पर जब ये गोल्डन हो जाए तो इनको बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से ये हमने ये सारे सैंडविच तल के तैयार कर लिए हैं। ये बहुत ज़्यादा ऊपर से क्रंची बनते हैं, अंदर से बहुत नरम बनते हैं। आप देखिएगा कितने अच्छे लग रहे हैं, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और बहुत इजीली बनकर भी तैयार हो जाते हैं। इसमें हमने कुछ ब्रेड कट वेस्ट भी नहीं किया कि कोई इधर वेस्ट करें। और ये अब मैं इसको आपको काट के भी दिखाती हूँ, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि ये कितने क्रंची बनकर तैयार होते हैं। तो आप इस तरह से पिज़्ज़ा कटर ले लें या फिर छुरी ले लें, बस इसको इस तरह से बीच में से काट दें। इसमें चीज़ का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। ये देखिएगा कितना अच्छा ये चिकन चीज़ी सैंडविच बनकर तैयार है। आप रमज़ान में इसको बनाइएगा और तारीफ़ों के पुल बनवाइएगा अपने, सब आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे। ये इतने अच्छे सैंडविच बनकर तैयार होते हैं, बच्चों से बड़े तक सब बहुत ही ज़्यादा शौक से खाते हैं। आप इसको तीखी चटनी के साथ, हरी चटनी के साथ या फिर